इको सिस्टम के अंदर जो एनिमल्स जो डिफरेंट जो फीड कर रहे हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर उनको हमने डिफरेंट जो है वो ट्रॉफिक लेवल का नाम दिया तो ट्रॉफिक का लक्ष्य मतलब होता है ट्रॉफिक लेवल मीन फीडिंग लेवल कि कहाँ कोई एनिमल फीड कर रहा है वो वही इसका क्या है पोजिशन जो होगी उसको हम ट्रॉफिक लेवल का जो है वो नाम देते हैं तो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर्स बेसिकली बनाए गए हैं ताकि ये देखा जाए कि एनर्जी और मटेरियल किस लेवल से किस लेवल तक जो मूव कर रहे हैं जैसे एनर्जी अगर सबसे पहले स्टेप के ऊपर मौजूद है तो उसको हम क्या कहेंगे ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है जब ये एनर्जी फर्स्ट स्टेप से दो सेकेंड स्टेप पर चली जाएगी तो हम कहेंगे ये एनर्जी सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर आ गई है और जो एनिमल सेकेंड स्टेप के ऊपर मौजूद होंगे वो देर प्रेजेंट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इस तरह जो थर्ड स्टेप के ऊपर मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल जो बनाएंगे सर से तो जिस स्टेप के ऊपर एनिमल्स या एनिमल ऑर्गेनाइजम मौजूद हैं वो वही ट्रॉफिक लेवल जो वो बनाते हैं तमाम इकोसिस्टम्स में जो फूड चेन्स और फूड वेब्स होते हैं वो सबसे जहाँ से स्टार्ट होते हैं दे आर द प्रोड्यूसर्स तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज द ऑटोट्राफ्स प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्राफ्स भी कहा जाता है ये आटोट्राफ्स या प्रोड्यूसर्स का मतलब ये होता है प्रोड्यूस करने वाला यानी खुद से अपनी जो है वो न्यूट्रिशन बनाने वाला तो प्रोड्यूसर्स आर एक्चुअली दोज ऑर्गेनिजम्स विच सेंथिसाइज देयर फूड फ्राम द इनऑर्गेनिक आर्गेनिक सो दे देिसाइज देयर फूड दे ऑबटेन देयर एनर्जी फ्राम द इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड तो इन ऑर्गेनिक से न्यूट्रिशन हासिल करने वाले जो एनिमल्स हैं ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर एक्चुअली द प्रोड्यूसर्स इको सिस्टम के जो प्रोड्यूसर्स हैं मेन प्रोड्यूसर दे आर दी प्लांट्स जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं वो प्लांट्स ग्रीन जो है वो प्लांट्स हैं एल जी है या बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ये हमारे पास आ जाते हैं या फिर इसके अलावा वो एनिमल्स जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं जो खुद से जैसे मिथेनोजें हैं या फिर वो एनिमल्स जो कि ऑर्गेनिजम्स जो के एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं जिसको हम आर बैक्टीरिया वगैरह कहते हैं देयर आर सो द प्रोड्यूसर्स यानी जो अपना फूड खुद से इन ऑर्गेनिक मटेरियल से बना रहे हैं दे आर एक्चुअली द प्रोड्यूसर्स हैं सो अ प्रोड्यूसर्स जो है देयर प्रेजेंट एट फर्स्ट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स फर्स्ट ट्राफिक लेवल के ऊपर मौजूद हैं इसलिए इसको इनको ऑटो भी कहा जाता है सो प्रोड्यूसर्स या आटो की दो फर्दर टाइप्स हैं द वन इज द फोटो ऑटो एंड द सेकेंड वन इज द फोटो ऑटोट्राफ्ट फोटो आटोट्राफ्ट आर दोज प्रोड्यूसर्स विच ऑबटेन देअर न्यूट्रिशन बाई यूटिलाइजिंग द सन लाइट एज सोर्स ऑफ एनर्जी ये ऐसे प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स हैं फोटो ऑटोक्राफ्ट ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो अपना फूड सनलाइट की एनर्जी को यूटिलाइज करके सेंथिसाइज करते हैं फ्राम इनआरगेनिक कंपाउंड जैसे जिथ आल द्लाट्स दे आर द फोटो ऑटोट्राफ्ट तमाम प्लाट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करते हैं फॉर सेंसिस ऑफ देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो सनलाइट एनर्जी का सोर्स है सो दिस टाइप ऑफ जो हमारे पास प्रोड्यूसर्स होंगे दे आर दोटो ऑटोट्राफ्स इस कैटेगरी में हमारे पास आएंगे दे आर दी प्लांट्स दे आर दी एल एंड इवन सम्रीन बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है सो दे आर ऑल्सो दी जब हमारे पास जैसे ब्लू ग्रीन एलर्जी जो है हमारे पास बैक्टीरिया एक टाइप है, है जिसको जो क्या कर दे साइनो बैक्टीरिया जिसको कहते हैं जो जो कि ये फोटो ऑटोट्राफ्स होते हैं सो फोटो ऑटोट्राफ्स दे आर यूटिलाइजिंग द सन लाइट अब कितनी सन लाइट अगर हम नेचर की बात करें कितनी सन लाइट यूज़ करते हैं सो so, जितनी सन लाइट ज़मीन पर आती है उसका तकरीबन अप्रोक्सीमेटलीस दैन वन परसेंट वन परसेंट से भी कम एनर्जी जो होती है दैट इज़ यूज फॉर फोटोसेंथसिस अब ये अंदाज़ा लगाएं कि लेस देन वन परसेंट फो जो एनर्जी है इसको ट्रैप किया जा रहा है प्लांट्स को फोटोसेंस के दौरान यूटिलाइज कर रहा है और उससे सारी लाइफ जो अर्थ के ऊपर है वो सस्टेन हो रही है क्योंकि वही एनर्जी आगे फिर एनिमल्स को मिलेगी बाकी जो तमाम एनिमल्स को यूटिलाइज करेंगे सो so, सनलाइट का लेस देन वन परसेंट फोटोसेंसिस में यूज हो रहा है थर्टी परसेंट इज रिफ्लेक्टिंग बैक थर्टी परसेंट जो रिफ्लेक्ट करके बैक वापस चला जाएगा ट्वेंटी परसेंट एटमासफियर के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है जबकि कि फिफ्टी परसेंट वो है जो अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है एटमोसफियर मीन एयर के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है तो जैसे तो थर्ड जो है हमारे पास जो है वो ट्वेंटी परसेंट एयर के अंदर एबजॉर्ब हो एटमोसफेयर में एबजॉर्ब हो रहा है जबकि फिफ्टी परसेंट जो सनलाइट है दैट इज बींग एब्जॉर्ब बाई द अर्थ और द दॉय अच्छा सेकेंड टाइप ऑफ आटोट्रॉप्स जो हैं या प्रोड्यूसर्स जो हैं देर आर कॉल द कीमोलिथोट्रॉप्स या कीमो कीमोलिथोट्राफ्स को बोला जाता है सो कीमोलिथोट्रॉप आर दोज एनिमल्स विच ओब्टेन देर न्यूट्रिशन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये आमतौर पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करके क्या करते हैं अपना फूड हासिल करते हैं मोस्ट ऑफ़ द केमोलिथोट्रॉफ्स दे आर दी बैक्टीरिया बैक्टीरिया एंड दे लिव इन वेरी एक्सट्रीम टाइप ऑफ इन्वायरमेंट्स एक्सट्रीम जैसे एनआरबिक इन्वायमेंट हो गया या फिर इसके अलावा वो इन्वायरमेंट है जहाँ हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं तो आमतौर पर जो केमोलिथोट्रॉप्स की जो कामन एग्जाम्पल्स हैं वो मतलब सल्फर बैक्टीरिया है जो आमतौर पर क्या करते हैं ऑक्सीडेशन के थ्रू वो अपनी